प्रशासन की अनुमति के बिना सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाकर अपने घरों में शादी समारोह आयोजित करने वालों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह बात एसडीएम सलूनी जगन ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों व सचिवों की टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि शादी के बाद जिन परिवारों ने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर अजय कौशल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिघाई पंचायत में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लोगों की कोरोना टेस्ट कर रही हैं, लेकिन लोगों द्वारा टेस्ट न करवाने पर विभाग की टीम बैरंग वापस आ रही है, जिस पर एसडीएम जगन ठाकुर ने कार्यवाही करते हुए पंचायत को 7 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद भी लोगों ने कोरोना टेस्ट नहीं करवाए तो अगले 7 दिन फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। सूरी पंचायत में 2 शादियां प्रशासन की बिना अनुमति के हुई है, उस पर जगन ठाकुर ने थाना प्रभारी किहार हरनाम सिंह को उन लोगों के खिलाफ पुलिस में तुरंत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बाहर से आने वाले एनएचपीसी के कर्मचारियों को अब 7 दिन आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि को पंचायतों में टास्क फोर्स समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, उनकी पंचायत में होने वाले समारोह के बाद तुरंत कोरोना टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही प्रशासन अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों की सूचना प्रशासन को दे ताकि तुरंत कार्यवाही की जा सके। इस अवसर पर नायब तहसीलदार विनोद टंडन, खंड विकास अधिकारी निशि महाजन, थाना प्रभारी किहार हरनाम सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आज पंचायत लेवल टास्क फोर्स की बैठक आयोजित किया गया, जिसमें कि खंड विकास अधिकारी सलूनी, नायब तहसीलदार सलूनी, बीडीसी के हमारे चेयरपर्सन मैडम डॉक्टर साहब, बीएमओ किहार और समस्त बीडीसी मेंबर्स, पंचायतों के प्रधान, सेक्रेटरीज, पटवारी मौजूद रहे। जैसे कि माननीय उपायुक्त महोदय जी का भी हमें दिशा निर्देश हुआ था कि ये इस तरह की एक मीटिंग हम आयोजित करें, उसी के तहत आज ये मीटिंग हुई है। और कोरोना की जो तीसरी लहर को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए या जो भी हमारी रिपोर्टिंग में कमी आ रही थी उसके प्रति हमने सभी को इस मीटिंग में बात रखी है। और विशेष करके जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसके ऊपर हमने सीधे तौर पे प्रधानों का जो टास्क फोर्स के जो चेयरमैन होते हैं उनकी जिम्मेवारी तय करी है। और कहीं पे भी अगर इस प्रकार का कोई गैप आता है तो एसएचओ सलूनी हमारे साथ हैं और इनको भी निर्देश दिया गया है कि अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही होती है तो वो डीएम एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज करें, और जो पीछे भी इवेंट्स हुए हैं अगर उनमें भी कोई कोताही पाई गई है तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकार हमने आज यहाँ की जो खंड विकास सलूनी की जो पंचायत है उनको सबको कवर किया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सलूनी से अशोक कुमार, आर्य की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।